क्लास में टीचर्स के साथ समझ रहे हो तो समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ रहा है, चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, लेकिन व्हेन यू गो बैक होम या यू स्टार्ट अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है. सो व्हाट इज़ द इशू हियर? बात यह है बेटा कि आप समझ रहे हो कि एक बार सुना और याद हो गया. टू बी वेरी फ्रैंक, एज अ टीचर, जिस टीचर ने पहले साल पढ़ाया होगा उनको भी नहीं याद हुआ होगा. ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में टू अंडरस्टैंड एनी थिंग इज टू बिग ऑफ आस्क फ्रॉम योर सेल्फ. ठीक है, तो वो मत करो. इट टेक्स टाइम. अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो उसमें आपको टाइम लगेगा समझने में चीज़ों को. एक बार समझ में आई उसके बाद प्रैक्टिस की बात आती है, आपको उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करना है. नाउ लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना है? राइट थिंग्स, लिखो, नोट्स बनाओ. क्लास में जो नोट्स बनाए थे उसमें जो मिस हो गया था उसको देखो दोबारा, सो दैट एवरी थिंग जस्ट काइंड ऑफ फॉल्स इन टू दिस पॉइंट कि हाँ समझ में तो आ गया, अब हार्डवर्क वाला काम है. ठीक है, तो अब हार्डवर्क वाले काम में घुसना है, उसको सॉल्व करते चलना है. एक बार ही वो हो गया, नाउ यू ट्राई एंड रिड्यूस द साइज ऑफ योर नोट्स. अब आप सेकेंड लेवल पे आ गए हो. सेकेंड लेवल पे क्या होता है कि यू हैव ऑलरेडी हैव डिटेल नोट्स क्लास के, ठीक है, बट वो पेपर पे है, दिमाग में नहीं है. जब दिमाग में डालना है तो उसको और कंसाइज करना है. इसको करने के लिए क्या कर सकते हो? यू कैन डिवाइड योर नोट्स इनटू पार्ट्स. एनसीईआरटी के अंदर बड़े हेडिंग्स होते हैं, फिर सब हेडिंग्स होते हैं, तो बड़े हेडिंग्स में डिवाइड कर लो चैप्टर को, तीन से चार पार्ट्स में डिवाइड कर लो चैप्टर. एक बार तीन से चार पार्ट्स में डिवाइड हुआ चैप्टर, उसके बाद उतने उतने पोर्शन के नोट्स को पढ़ो, समझो एंड लिख के देखो. ठीक है, तो लिख के देखने से क्या होगा ना, यू विल अंडरस्टैंड कि कहाँ कहाँ चीज़ें मिस हुई हैं, क्या नहीं समझ में आया, क्या नहीं याद रह रहा है. ठीक है, तो उस पर एम्फोसिस जाएगा. फिर यही काम करते टाइम आपको डाउट्स भी आएंगे, डाउट्स आएंगे, उन डाउट्स को क्लियर करेंगे फिर, है ना. तो ये चीज़ें जो है ये साथ साथ चलती रहेंगी. ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. पार्ट्स में डिवाइड करके चैप्टर पढ़ना शुरू करो, पूरा लमसम चैप्टर एक साथ मत पढ़ो. एंड क्लास इज नॉट वेर यू रिमेंबर थिंग्स, क्लास इज वेर यू लर्न थिंग्स. ठीक है, आप पहली बार पढ़ते हो, समझते हो, याद करने का प्रोसेस उसके बाद शुरू होता है. ठीक है, तो ये मत सोचो कि अगर हमने एक बार पढ़ लिया क्लास की क्लास में याद हो जाएगा, याद नहीं होएगा. ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. एंड अगर और कोई डाउट्स है तो उसको भी कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कर देता हूँ.